आइकन के बटन को प्रेस करना मत भूलिएगा ताकि मेरी हर नई आने वाली वीडियो आप सबसे पहले देख सकें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू माई चैनल। कैसे हैं आप सब लोग? अल्लाह पाक आपको और मुझे अपने हिफ्ज़ो ईमान में रखे, आमीन। आज मैं बनाने जा रही हूँ पोटैटो नेस्ट। उसके लिए जो चीज़ें हमें चाहिए, मैंने चार पोटैटो ली हैं, इसको बॉईल करके मैश कर लिए। इसके अलावा मुझे 1 कप बॉयल चावल चाहिए, कोई भी आप रात को जो चावल बचे हुए होते हैं उसको भी इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके अलावा मुझे सोइयाँ चाहिए, आप किसी भी कंपनी की बारीक वाली सोइयाँ ले सकते हैं। पोटैटो नेस्ट में जो मसाले यूज़ होंगे उसमें मैंने 1 टीस्पून चाट मसाला लिया है, 2 टेबलस्पून मैंने सुरख कुटी हुई मिर्च ली है, 1 टीस्पून सूखा धनिया लिया है, 1 टेबलस्पून मैंने नमक लिया है, 2 टेबलस्पून मैंने कॉर्नफ्लोर लिया है, 2 टेबलस्पून मैंने मैदा लिया है, 1/2 टेबलस्पून ब्लैक पेपर है, काली मिर्च है, 1/2 टेबलस्पून मैंने अदरक का पाउडर लिया, 1/2 टेबलस्पून मैंने लहसुन का पाउडर लिया, 1/2 टेबलस्पून मैंने ज़ीरा लिया और 1/2 टेबलस्पून मैंने गर्म मसाला लिया। हम अपने सारे मसाले आलुओं में मिक्स कर देंगे। ये चाट मसाला है, ये जितने देखने में खूबसूरत लगते हैं ना, ये खाने में भी बड़े टेस्टी बनते हैं। अब इसको ईद पे भी बनाइएगा। अब हम सब चीज़ों को मिक्स कर लेंगे आलू के अंदर मसाले। इसके अंदर कॉर्नफ्लोर भी चाहिए, कॉर्नफ्लोर भी 2 चम्मच डालेंगे। थोड़ा सा ऑयल लगाएंगे अपने हाथ पे ये आलू लेके। आप इसका गोल सा बॉल बनाएं। इसके बाद आपने ये अपने थंब के साथ इसको दरमियान से प्रेस करें, इसको नेस्ट की शेप देंगे। इसके बाद आपने ये मैदे की लई सी बनानी, बहुत पतला सा अपने मैदा बना लेना पानी के अंदर मिक्स करके। इसके अंदर हम इसको डिप करेंगे और फिर अपने ये सवैयों वाले मिक्सचर में, जो हमने सवैयाँ थी बारीक बारीक मैंने इनको कर लिया था। इसी तरह से मैं अपने सारे नेस्ट तैयार करूँगी। मैंने अपने सारे पोटैटो नेस्ट वैसे ही तैयार कर लिए। इसको कम से कम 15 मिनट के लिए अपने फ्रिज में रखना ताकि ये थोड़े सख्त हो जाए। इसके बाद हम इसको फ्राई करेंगे। ये मैंने 1 कप जो चावल लिए हैं इसको मैंने फोक के साथ इसको अच्छी तरह से मैश कर लें। अब इसके हम लोग ना एग तैयार करेंगे जब तक हमारे वो नेस्ट फ्राई होते हैं। मैंने 10 मिनट तक इनको फ्राई किया, मेरे चावल भी मैश हो गए हैं। अब मैं इसको निकाल लूँगी। मेरे चावल मैश हो गया, मैं इसके छोटे छोटे से एग की शेप में इनको गोल गोल से बॉल बना लूँगी। अगर आप चाहें तो इसमें नमक और काली मिर्च भी इस्तेमाल कर सकते हैं राइस के अंदर, अगर फ्लेवर चाहते हैं तो। इसी तरह से मैं अपने बॉल तैयार कर लूँगी नेस्ट में रखने के लिए। हमारे राइस वाले एग तैयार हो गए हैं, अब हम इसको नेस्ट में रखेंगे। सबसे पहले मैं एक धनिया का पत्ता लूँगी। ये देखिए हमारा एक तैयार हो गया, अब हम दूसरे वाला तैयार करेंगे। इसी तरह से मैं अपने सारे नेस्ट तैयार कर लूँगी। फ्रेंड्स, मेरे पोटैटो नेस्ट तैयार हैं। ये जितने देखने में आपको अच्छे लग रहे हैं इतने खाने में भी बहुत टेस्टी हैं। आप इसको ज़रूर रेसिपी को ट्राई कीजिएगा। अगर आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगती है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने फ्रेंड्स के साथ इसको शेयर कीजिएगा। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआ में मुझे याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।